स्त्री है उर्वशी। मैंने सुना था आज रेनवाल की धरा पे उतरी है उर्वशी, विश्वामित्र था, धोती कुर्ता छोड़ के पैंट में आया हूं। तो आइए हम उधर चलते हैं, कवि सम्मेलन की एक नई पहल को लेकर आते हैं। कवि सम्मेलन की एक नई पहल को लेकर आते हैं जिस पे कुरान गीता रखे पढ़ी जाती हो, उस रहल को लेकर आते हैं। आगरा से ताजमहल कहाँ लेकर के आता मैं, रेनवाल में लेकर के जिंदा ताजमहल को आते हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाए उस शख्सियत के लिए जिनका नाम होता है नामी कांबर, जो अपनी शुचिता, गरिमा और संस्कृति के साथ हास्य और विनोद के लिए जानी जाती है। कैलाश जी ने कहा कई आदमियों को बहुत बढ़िया निपटाती हैं, तो अनामिका जी आप अपनी वैसे नहीं कविताओं से हम ये चाहते हैं कि आप अपना पूरा समय लें और खूब आनंद से सारे के सारे इनकी आत्मा तरपत हो जाएगी, कईयों का मोक्ष हो जाएगा। ये देख करके आइए, भाई को देखते रहो, जोरदार ताली बजाओ। अद्भुत, हंसो मत। पुनः माँ वीणा पाणी को नमन करती हूँ, आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। जय हो। बहुत अच्छा कवि सम्मेलन आप सुन रहे हैं, मैं शुरू से देख रही हूँ तालियों की कहीं कमी है। सब कवियों ने तालियों के लिए कहा, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं नहीं कहूँगी, बस एक निवेदन आपसे करती हूँ कि मेरी कोई भी बात आपके हृदय के द्वार को दस्तक दे, अर्थात आपके दिल को छुए, तो आपकी प्रतिक्रिया ज़रूर आए ताकि मैं और अच्छा सुना सकूं, आप तक और बातें पहुंचा सकूं। बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं बैठ बैठ के, लेट लेट के। क्या बात, कमल मनोहर जी। नहीं मेरे तो मेरा मन है कि एक बार जोरदार तालियां इनके जीवंत संचालन के लिए आपकी ज़रूर आए, हम सब की ओर से भी एक बार सबकी तालियां आए। बढ़िया सुन रहे हैं, ये मोहल्ला काफ़ी उत्साही है इस तरफ जो है, ये भी यहीं कहीं आकर के बैठ जाते तो ये तो दर्शन के प्यासे हैं, खड़े खड़े ही करेंगे जी। बहुत आभार, आपने मंच को मंदिर समझा और मुझे देवी, बिल्कुल बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ उपस्थित सभी अतिथि गणों को, विद्वत्त जनों को प्रणाम करती हूँ जो शुरू से इस कवि सम्मेलन में उपस्थित हैं। ये मोहल्ले से भी प्रणाम पहुंचाती हूँ, जहाँ जहाँ मेरी नज़र जा रही है सबको प्रणाम पहुंचाती हूँ। आदरणीय की कुर्सी किसी ने ले ली है दे दो, और जहाँ जहाँ प्रणाम पहुंचाए वो जुआरी भी पहुंचाए। बैठ जाओ भाई साहब, हाँ ले लो कुर्सी। नहीं भाई साहब कहने के बाद भी नहीं बैठे तो उसका कोई इलाज नहीं है, वो बैठ गए। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आपने बहुत अच्छी बात करके मुझे बुलाया है, मैं आपका बहुत सम्मान करती हूँ। आप आदरणीय हैं, फादरणीय हैं, आप विश्वसनीय हैं या नहीं है ये आपने जब बोला कि आप पैंट पहन के आए हैं तभी पता चल गया। नहीं, मैं तो मैं आपको बहुत प्रणाम करती हूँ। जय हो। जहाँ आपको हंसी आए रोकिए मत, आपकी तालियां भी साथ में दे दीजिए। मैं सच बता रही हूँ, जब से मैं कवि सम्मेलन सुन रही हूँ, मन की बात बताती हूँ, मैं तब से बहुत डरी हुई हूँ। आप सुन बहुत अच्छा रहे हैं ये मैं देख पा रही हूँ, समझ भी पा रही हूँ, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया थोड़ी सी कम है। मैं अमित की तरह बहुत चीख कर चिल्ला कर अपनी बात आप तक नहीं पहुंचाऊंगी, या हाथ से उतना ही कहूंगी जितना मुझे करना है, बस वही बात आप तक पहुंचाऊंगी जिस बात के लिए मैं जानी जाती हूँ। लेकिन वो बात कहने के लिए आपकी तालियों का साज होना बहुत ज़रूरी है। एक बार आपकी तालियाँ मुझे इस बात का एहसास कराएं कि आपको बात समझ में आ रही है। बहुत आभार, बहुत आभार आपका भी। बहुत स्टाइल में खड़े हैं आदरणीय, प्रणाम। जय हो। यही जो मफलर डाल के खड़े हैं। अच्छा, हम लोग दिल्ली के निकट हैं, नीली शर्ट में। आहा। दिल्ली के निकट हैं, कोई इस तरह से गमछा मफलर गले में डाल के खड़ा हो या बैठा हो तो हमें लगता है धरने पे जाने के क्रम में है। आए हाए हाए, क्या बात। बहुत देर तक मुझे घूरने के, मेरा मतलब है मुझे देखने के बाद उन्हें समझ में आया, उन्होंने प्रणाम पहुंचा। वाह वाह, मैं आपको प्रणाम पहुंचा। अब देखिए, मैं इतना घूम घूम के तो कविता पढ़ नहीं पाऊंगी, आप सामने आ जाएं। आपका स्वागत। आर्य पुत्र,
कि बैठ जाइए जनाब आपके लिए भी यहाँ आयोजन मंडली ने व्यवस्था बनाई है, व्यवस्था बनाई है, व्यवस्था बनाई है, बैठ जाइए जनाब आपके लिए भी यहाँ आयोजन मंडली ने व्यवस्था बनाई है, इधर उधर जिसे ढूंढे आपकी नजर इस कार्यक्रम में वो आज नहीं आई है। क्या बात है, जिंदाबाद। बस यही जिंदा दिली चाहिए, आप हो हा हा जो जो भी कर सकते हैं करें। आदरणीय बिल्कुल जिल्ले इलाही की मुद्रा में बैठ गए हैं। आए हाय, नहीं आप सही बैठे थे, कोई ऐसी बात नहीं, बस ताली आती रहे, आप कैसे भी बैठे रहे ताली बजाते रहिए। सुने, मैं प्रारंभ करती हूँ शुरू से, जो परिचय इस स्थान का दिया जा रहा है, मंच पर मंच के गौरव, ओज के गौरव आदरणीय शशिकांत यादव जी की उपस्थिति होती है, मैं उन्हें बहुत प्रणाम करती हूँ। बहुत अच्छा काव्य पाठ पार्थ ने किया, बहुत मेहनत अमित शर्मा ने की, वो लाइव पर थे, इतने इतने व्यूवर्स उनके हैं, मुझे तो दो चार लोग देख लेते हैं और बुला लेते हैं, जिन दो चार लोगों ने देखा है मैं उन्हें बहुत प्रणाम करती हूँ, बहुत आभार आपका। नहीं, आपकी महत्वता उनसे अधिक है। अमित शर्मा को केवल 18 करोड़ लोग सुनते हैं जी, आपको 26 करोड़ लोग देखते भी हैं, ये अमित में नहीं है सर। देखिए, मेरे पास हर बात का उत्तर है, मैं उन तक भी आऊंगी, मैं उन तक अपनी बात पहुंचाऊंगी, पर मैं मेरे कर्तव्य की पंक्तियां आप तक पहुंचा दूं और एक बार ये देख लूं कि आप मुझे कितना सुन रहे हैं, क्योंकि हर कवि ने बहुत मेहनत की, जितना वो कहीं और सुनाते हैं उससे ज्यादा मेहनत आज की, शायद मैं भी वही करने वाली हूँ, लेकिन आपका मन, आपका स्नेह मुझे चाहिए, मैं आप तक पंक्तियां पहुंचाती हूँ, सुने। स्वागत है। बच्चों, अरे बैठ जाओ, था कि बुआ जी आ गई, अब चुप, आप मत उठना है ना, मतलब की बात है, आप लोग मुझे सुन लो जरा, मैं अच्छी बात सुनाने जा रही हूँ, काम आएगी शायद, सुने। स्वागत। कभी दरिया के भीतर भी समंदर जाग उठता है। वाह, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि आप सबको मेरी ये पंक्तियां समझ में आएंगी, ये कहने की बातें हैं कि पहली बार यहाँ कार्यक्रम हो रहा है या इस प्रकार के कार्यक्रम कभी कभार यहाँ होते हैं, मैं जानती हूँ आप सब जितना मैं लिखने में दिमाग लगाती हूँ उससे ज्यादा आप दिन भर सोचने में और उससे ज्यादा मेरी पंक्तियां सुनने में दिमाग लगा करके दिल तक पहुंचाकर आप अपनी तालियां मुझ तक जरूर पहुंचाएंगे, इस विश्वास के साथ मैं ये पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ, कहीं इस माहौल को पहुंच जाए तो एक जीवंतता इस कार्यक्रम को दे दीजिए, मैं आपकी आभारी होंगी, पंक्तियां निवेदित करती हूँ। कभी दरिया के भीतर भी समंदर जाग उठता है, क्या बात है? मिले सम्मान हीरे का तो पत्थर जाग उठता है, मिले सम्मान हीरे का तो पत्थर जाग उठता है, मेरा ईश्वर तेरा अल्लाह मालिक एक है सबका। जिंदाबाद। चौथी पंक्ति पर हाथ तैयार हो और एक बार सब मिलकर के बता दे, मेरे भ्रम को तोड़ दे कि आप पंक्तियां सुनने के बाद ताली नहीं बजा रहे हैं, मैं प्रसन्न हो जाऊंगी, आप तक अपनी बात पूरी तरह पहुंचाऊंगी, पंक्तियां पहुंचे तब आपकी तालियां आए, सुने, सुनो। कभी दरिया के भीतर भी समंदर जाग उठता है, मिले सम्मान हीरे का तो पत्थर जाग उठता है, मेरा ईश्वर तेरा अल्लाह मालिक एक है सबका, मेरा ईश्वर तेरा अल्लाह मालिक एक है सबका, मेहरबानी हो उसकी तो मुकद्दर जाग उठता है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, अद्भुत अद्भुत अद्भुत। और इसी कविता के सम्मान में रेनवाल क्या कहता है, जब चार पंक्तियां अच्छी हैं तो रेनवाल का जवाब भी अच्छा होना चाहिए। जी बिल्कुल, आप जवाब दे कि हम रेनवाल वाले, हम रेनवाल वाले छोटी सी मुलाकात को जी लेते हैं। वाह। हम रेनवाल वाले छोटी सी मुलाकात को जी लेते हैं, पूरे साल भर में वो एक रात को जी लेते हैं, पूरे साल भर में एक रात को जी लेते हैं,
ये दरिया समंदर अनामिका यहाँ कहाँ होती है? हम तो रेगिस्तान वाले हैं, एक बरसात को जी लेते हैं। हम तो रेगिस्तान वाले हैं, एक बरसात को जी लेते हैं। बहुत बढ़िया। मेहरबानी हो उसकी तो मुकद्दर जाग उठता है, मेहरबानी हो उसकी तो मुकद्दर जाग उठता है। बहुत आभार, आपने इन अच्छी पंक्तियों को अच्छी तरह सुना और उसके बाद बीच में भी जो पंक्तियां आईं, ये इन अच्छी पंक्तियों का प्रभाव था कि इन पंक्तियों को भी अच्छे से सुना। अब मैं एक सलाह आपको देती हूँ, सुने। समंदर की बात कर रहे थे तब कहती हूँ, स्वागत है, कि तुम अपने दोस्तों को वक्त पे इनकार मत करना, किसी भी अजनबी से प्यार का इजहार मत करना, किसी भी अजनबी से प्यार का इजहार मत करना। ए मेरे दोस्त तुझको आज मेरा मशवरा है ये, ए मेरे दोस्त तुझको आज मेरा मशवरा है ये, न हो मालूम गहराई तो दरिया पार मत करना, न हो मालूम गहराई तो दरिया पार मत करना। ऐसा कुछ तो आप तो बस मुझे काव्य पाठ करने दीजिए। एक नई चीज बदली है अब आपको, आप समझा करो, ये रेनवाड़ वाले हैं, थोड़ा मनोरंजन हो जाए और गरिमा से हो जाए। नहीं बिल्कुल, एक नई चीज को देखो आप, क्या प्यारा है कि आजकल वक्त बदल गया है, लड़का इनकार भी कर सकता है। आजकल वक्त बदल गया अनामिका, लड़का इनकार भी कर सकता है। जेब में पैसा नहीं हो तो क्रेडिट कार्ड से उधार भी कर सकता है। वो दिन और थे जो हम थे लड़कियों के भरोसे, कानून पास हो गया, लड़का लड़के से प्यार भी कर सकता है। बहुत शानदार, क्या बात है, और आपको देख के तो कुछ और सोचने की आवश्यकता भी नहीं है। क्या बात है, तो इसलिए अब मैं सोचती हूँ कि इसको एक नया मोड़ दे दिया जाए। स्वागत है। कि वादा है हर जन्म में बार बार मिलूंगी, वाह, आप सबका मन मुझे मिल जाए। अच्छा, ये घूम घूम के ऐसे ही कविता, ऐसे ही कैमरा चलाते रहेंगे? नहीं, ये आप भी बैठ जाओ, तो अच्छा सा पड़ोस देख के। इसके साथ फेरे पूरे नहीं हुए थे तब से यही कर रहा है। मुझे भी लग रहा है, देख के ये इतने बार घूम लिया कि इतने में इनके फेरे पूरे हो जाने चाहिए थे। नहीं हो सकते। अच्छा, यहाँ के लोग भी बहुत चतुर हैं, मैंने देखा कुछ यहाँ पे खड़े, फिर थोड़ी देर बाद वहाँ खड़े, फिर वहाँ खड़े। इसका मतलब ये है कि इन्हें आइसक्रीम भी दे दो तो चारों तरफ से चाट करके। वाह, अद्भुत, क्या टिप्पणी है, धन्यवाद। अब हमारा रिश्ता बना ले जरा, जैसे जो बनाओ, मेरे क्या फर्क पड़ता है इस उम्र में। आप सबके हाथ तैयार हो, मैं पंक्तियां निवेदित कर रही हूँ और उस बात का उत्तर दे रही हूँ कि वादा है हर जन्म में बार बार मिलूंगी, रिश्तों को आजमाना वफादार मिलूंगी, रिश्ते को आजमाना वफादार मिलूंगी, तुम भी बढ़ा ही देना अपना हाथ मेरी ओर, लेकर के राखी हाथ में तैयार मिलूंगी, लेकर के राखी हाथ में तैयार मिलूंगी। दरअसल बहुत आभार, नहीं कुछ ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल सही है। आप तो आदमी हैं, आदमी से प्यार कीजिए। नहीं नहीं, वो बात नहीं है, लेकिन राखी का कंसेप्ट आपका ठीक नहीं है। दुनिया में पहली राखी कब बांधी गई? यहाँ हुआ जी, वहाँ ना, क्या जोरदार चीज देखना है कि ना तो किसी देव ने बांधी, ना सुरेंद्र ने बांधी थी, ना तो किसी देव ने बांधी, ना सुरेंद्र ने बांधी थी, ना गण ने बांधी थी, ना यक्ष ने बांधी थी, ना पुरिंदर ने बांधी थी। भाई बहन ने तो राखी बांधना बाद में शुरू किया है अनामिका। पहली राखी शची ने पत्नी के रूप में पति इंद्र को बांधी थी। क्या बात है जी, ठीक है, मैं आपको यही समझा रही थी कि पहली राखी तो मेरी हो ही चुकी है, ये दूसरी राखी थी जो मैंने आपके साथ लिखी। आइए मैं आपको बताऊं, तो इतनी बड़ी, आपका इतनी बड़ी चांस नहीं है, इतनी बड़ी कवियत्री जब हमारे आई है, ये सिर्फ इसलिए किया, क्यों किया, वही चार पंक्तियों से मैं अनामिका जी को निरंतर काव्य पाठ के लिए, बहुत आभार, स्वागत है। चार पंक्तियां देकर के उस अनामिका जी को सुनना चाहते हैं, लेकिन ये वादा आप करोगे कि इनको इतना सुनाओ कि इनके जीवन में श्रृंगार उतर जाए। चार पंक्तियां दादा देखना, कि आप इस कवि सम्मेलन की पवित्र गरिमा हैं।
जी। कौन है आप इस कवि सम्मेलन की पवित्र गरिमा हैं, इस काव्य मंच की आप पावन सी क्षमा हैं। ये गांव वाले हैं, इनको हंसा खिला लेता हूँ थोड़ी देर। अगर आप छोटी है तो बहन है और बड़ी है तो माँ है। अगर आप छोटी है तो बहन है, बड़ी है तो माँ। एक बार जोरदार तालियां बजा के आइए हम अनामिका अंबर जी के उस स्वरूप की ओर चलते हैं। सम्मान पूरे देश में हो जाए तो देश का चेहरा बदल जाए। पंक्तियां निवेदित करती हूँ, स्वागत, और एक बात आप तक पहुँचाती हूँ। कहीं मेरी बात आपके हृदय से टकरा जाए तो मुझे आपका पुनः वही मन वही आशीष मिल जाए। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, सुनिएगा। भरी झोली सदा मेरी मिला सौगात से ज्यादा। आए हाय, आप सब यहाँ बैठे हुए हैं, हम आइए मेरी कर्तव्य की पंक्तियां और आप तक पहुंचा के सीधे सीधे कवि सम्मेलन जो आप सुनने का मन बनाकर बैठे हैं वो सुनाती हूँ। लेकिन उस ईश्वर का आभार कर दें जिस ईश्वर के कारण हमारी पांचों इंद्रियां बिल्कुल सही सलामत हैं। आज हम यहाँ बैठकर के इस प्रकार के आयोजन में हिस्सा ले रहे हैं, तब मैं उस ईश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ और आपका साथ चाहती हूँ। आप भी एक बार उसे याद सुने। भरी झोली सदा मेरी मिला सौगात से ज्यादा, सुनहरे दिन से ज्यादा और सुहानी रात से ज्यादा, सुनहरे दिन से ज्यादा और सुहानी रात से ज्यादा। मेरे ईश्वर तेरा आभार बारंबार करती हूँ, मेरे ईश्वर तेरा आभार बारंबार करती हूँ। चौथी पंक्ति पर हाथ तैयार हो और मुझे पुनः वह दृश्य दिलाएं याद जो आप और मैं हम दोनों देखना चाहते हैं। मैं पंक्तियां निवेदित कर रही हूँ कि भरी झोली सदा मेरी मिला सौगात से ज्यादा, सुनहरे दिन से ज्यादा और सुहानी रात से ज्यादा। मेरे ईश्वर तेरा आभार बारंबार करती हूँ, मेरे ईश्वर तेरा आभार बारंबार करती हूँ। मुझे हर दम दिया तूने मेरी औकात से ज्यादा, जिंदाबाद। मुझे हर दम दिया तूने मेरी औकात से ज्यादा, जिंदाबाद। मुझे हर दम दिया। बहुत आभार, बहुत बढ़िया सुन रहे हैं। नारी शक्ति यहाँ पर उपस्थित है पर तालियों की लगातार कमी है। मैं एक बात कहती हूँ, जितनी नारियां जितनी महिलाएं यहाँ बैठी हैं वो एक बार अपने हाथ को इधर ऐसे करें ऊपर। अब इसमें अपने अपने पतियों को देखें और दूसरे हाथ को दूसरे इस हाथ पे दे मार करके देखें, तालियां आएंगी। एक बार करके देखें, जितनी महिलाएं एक बार तालियां बजा करके देखें, एक बार जोरदार तालियां आपकी आए। ये सब बहुत शिष्ट महिलाएं हैं, अपने पति को सार्वजनिक रूप से नहीं पीट सकती। क्या बात है। अच्छा, आप पति जितने पुरुष यहाँ बैठे हैं वो भी अपने हाथ को ऐसे करें। कितने जल्दी कर लिया, ये है पुरुष। लेकिन इसमें आपको अपनी पत्नी को नहीं देखना है, इसमें उस बिचौलिए को देखना है जिसने आपका विवाह करवाया। क्या बात है। अब एक बार जोरदार तालियां सबकी मिलकर के आए तो मैं अपने काव्य पाठ को आगे बढ़ाऊं। एक बार जोरदार तालियों से आप स्वागत लाएं। और ये क्रम तो चलता ही रहेगा। बाबूजी आपको प्रणाम करती हूँ, आपने जितनी मशक्कत लगाई। जैसे ही मैं पढ़ने आई सबसे पहले नंबर पर कुर्सी लेकर के आप जो आगे बैठ गए और दो तीन बार जो आपने चश्मे को पोंछ करके वापस लगा लिया, मैं आपके सौंदर्य बोध को नमन करती हूँ। और मेरा मन करता है मैं चार पंक्तियां आपको समर्पित करूं, यदि आप सबका मन हो, आप सबका भी मन। सुने, अच्छा ये ताली तब बजानी होती है जब चार पंक्तियां खत्म हो। मतलब लड़के भी ऐसे ही, आप भी ऐसे ही थे अपने समय में। मैं आपको प्रणाम करती हूँ, कितने मुस्कुरा रहे हैं। सुने, कि जरा सी बात पर क्यों आज ये पागल हुए चाचा। आए हाय चाचा। वैसे सच बताऊं तो देख के तो आपको भी यही फीलिंग आ रही है। नहीं, मेरे तो मैं आपको भी प्रणाम करती हूँ। मेरे तो पोती की जैसी है, तो मैं इसको बदल देती हूँ। कि जरा सी बात पर क्यों आज ये पागल हुए दादा। आए हाय, कि घिर कर छा गए ऐसे लगा पागल हुए दादा। क्या बात है। कि घिर कर छा गए ऐसे लगा बादल हुए दादा। यूं ही मैं तो सवर कर आ गई थी आज महफिल में, यूं ही मैं तो सवर कर आ गई थी आज महफिल में।
खता इसमें मेरी क्या है अगर घायल हुए दादा, खता इसमें मेरी क्या है। बहुत आभार, बहुत मन से सुन रहे हैं, कुछ ज्यादा ही मन से आप सुन रहे हैं। ये ताली चार पंक्तियां और आप ताली का कारण तो मैं बता दूं अनामिका जी, जो कम क्यों आई है जी बताइए। इसमें कारण जो आपने बताई ना चार पंक्तियां, वो ये सुनो हाँ। कि जिसकी बीवी ऐश्वर्या हो, जिसकी बीवी कटरीना हो या बाबा तुम्हारे लिए बताऊं कि जिसकी बीवी हेमा मालिनी हो, साली की याद किसे रहती है। जो खुद घट लेकर बैठा हो, प्याली की याद किसे रहती है। ये रेनवाल वाले तुम्हारे सौंदर्य बोध में इस तरह खो जाते हैं अनामिका, ऐसे मौसम में भला ताली की याद किसे रहती है। क्या बात है, मैं बिल्कुल समझ गई आपकी बात। ये जो कोलाहल है थोड़ी देर के लिए इसे रोक दें, जिन लोगों को जाना है वो निकल जाएं। नहीं ये बैठ जाओ, और यहाँ से इन्हें तो निकाल ही दो आप। हाँ निकल जाओ, आप लोग भी निकल जाओ। अरे सलमान खान बैठ जा। अद्भुत शहर है ये। अच्छा इन लोगों को यहाँ होना चाहिए था तो ये लोग यहाँ पे, आप लोग यहाँ आ जाइए, आगे आ जाओ, सामने आ जाइए। अरे इधर आइए आइए, यहाँ बहुत रास्ता है, आप यहाँ से आकर के यहाँ आ जाइए। अद्भुत, एक बार जोरदार तालियों से आप, मैं आपसे निवेदन करूंगा एक बार जोरदार तालियां बजाएं। बहुत आभार, अब जोरदार और कम कैसी भी मत बजाइए, आप तो बस सुनते रहिए, मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ। स्वागत। मेरे अंदाज को अपना अलग अंदाज दे देना। हाय हाय, आप सबसे निवेदन कर रही हूँ, खास तौर से जो लोग कुर्सी पर बैठे हैं, आपसे भी अनुरोध है कि जो मैं कहने जा रही हूँ बस उसे सुन ले और उसे निभा ले तो मेरा काम बन जाएगा, मैं आप तक पहुँचती हूँ। कि मेरे अंदाज को अपना अलग अंदाज दे देना, चली आऊंगी मैं सब छोड़ कर आवाज दे देना। क्या बात है, चली आऊंगी मैं सब छोड़ कर आवाज दे देना। तुम्हारे ही लिए ये गीत ये गजलें लिखी मैंने, तुम्हारे ही लिए ये गीत ये गजलें लिखी मैंने। इन्हें कोई हिलाओ डुलाओ थोड़ा सा, हाथों को इस मुद्रा में लाओ ताकि चौथी पंक्ति पर ये भी ताली बजाए। नहीं एक तो बिल्कुल सामने बैठे हैं, ऊपर से हिलडुल भी नहीं रहे हैं, लगातार एकटक देखे जा रहे हैं, कन्फ्यूजन हो जाती है। आप थोड़ा हिलते डुलते रहे, सुने कि मेरे अंदाज, हाँ आप लोग निकल जाइए, यहाँ से निकल जाइए। अब आप लोग सुने, मुझे तो दो काम के लिए बुलाया गया है, मनोहर जी ने कह दिया था यदि व्यवस्था बिगड़ेगी तो वो भी सुधारनी है और काव्य पाठ तो करना है ही, तो आप लोगों को बताते भी रहूं कि आप लोग कृपया अपने हाथ तैयार रखें, चौथी पंक्ति आप तक पहुंचे तो मुझे मन दे दे, मैं पहुंचती हूँ। सुने स्वागत। कि मेरे अंदाज को अपना अलग अंदाज दे देना, चली आऊंगी मैं सब छोड़ कर आवाज दे देना। तुम्हारे ही लिए ये गीत ये गजलें लिखी मैंने, तुम्हारे ही लिए ये गीत ये गजलें लिखी मैंने। सुनाती हूँ तुम्हें तुम तालियों का साज दे देना, सुनाती हूँ तुम्हें तुम तालियों का साज दे देना। क्या बात है, आप खुद भी देखिए कितने खूबसूरत लगते हैं जब ताली बजाते हैं। वाह, अब वो कॉन्शियस हो रहे हैं, बहुत दीरे बढ़िया सुन रहे हैं, आज मेरी मशक्कत ज्यादा हो रही, बहुत शानदार सुन रहे हैं। चार पंक्तियां और कहती हूँ और बहुत, मैं और ज्यादा सोच रही हूँ कि थोड़ा और गंभीर माहौल आप मुझे दें, ताली बजाते रहना है लेकिन ऐसी बात मैं कहूँ जो मेरे मन से निकल के सीधे आपके मन तक पहुँचे। मैं जानती हूँ वो बात बड़ी है लेकिन वो बड़े तरीके से पहुंच जाए तो मुझे सुनाने में अच्छा लगेगा, आपको सुनने में अच्छा लगेगा। सुनिएगा पंक्तियां निवेदित करती हूँ। जो कानों तक नहीं पहुंचे वही अल्फाज मत दे। आप लोगों की आहवा आती रहे, यहां से जैसी आई पीछे से भैया भी आहवा कर रहे हैं, इनको भी ले, आप भी जाने के क्रम में हैं, आपको भी, इन्हें भी ले जाओ और जो लोग जाने के मूड में हैं वो भी निकल जाएं। देखिए आपको लग रहा होगा कि अनामिका कविता सुनाते हुए बीच में बात कर रही है लेकिन सच बात तो ये है कि मुझे वो माहौल चाहिए जिस माहौल में ये बहुत
मासूम और नाजुक पंक्तियां मैं पहुंचा सकूं, उनकी भी इज्जत रह जाए और आपके कानों तक बात भी पहुंच जाए और कहीं मैं अपने पढ़ने को भी जस्टिफाई कर सकूं, इसलिए मैं एक बार और आपसे कह रही हूं कि मुझे वो माहौल दे दें, जो थोड़ी बहुत कोलाहल है उसे थोड़ी देर के लिए भूल जाए, कोई जरूरत नहीं है। सुने, स्वागत। जो कानों तक नहीं पहुंचे वही अल्फाज मत होना। हाय हाय, क्या बात है, आभार। यहां से वाहवा आई, ऐसी आवा करते रहिए। जिसे दिल जान ना पाए कभी वो राज मत होना। हाय हाय, धन्यवाद। बस अब आप दांत देते रहिए, दांत खाज खुजली ना दीजिए, बढ़िया सुन रहे हैं। अच्छा, लड़कों का कोई भरोसा नहीं है। लड़कों के बारे में एक बात बताऊं, ये मोहल्ला आप तक बात पहुंच जाए, मनोहर जी आप अपने पीछे तक पहुंचा दें। सुने कि ये दरिया भी नहीं लेकिन समंदर चाहिए इनको। वाह, कितने भोले पुरुष, इस पे भी बाहवा कर दी कि ये दरिया भी नहीं। अरे आप लोग यहाँ आते क्यों नहीं, मुझे बार बार घूमना पड़ता है। अच्छा, इस तरफ घूमने के चक्कर में आदरणीय छूट जाते हैं, कहाँ गए? अच्छा, बैठ गए। उन्हें भी देखना होता है, तो आप लोग यहीं आ जाइए, बढ़िया सुन रहे हैं। इसी बीच दो गरिमा में पुरुषों को ऐसे लगा कि उन्हें किसी जरूरी काम से जोड़े में जाना चाहिए, जोड़े से। मैं उन्हें प्रणाम करती हूँ, निकलने दीजिए। सुने कि ये दरिया भी नहीं लेकिन समंदर चाहिए इनको, जरा देखो अनामी का सा अंबर चाहिए। क्या बात है, जिंदाबाद। जरा देखो अनामी का सा अंबर चाहिए इनको, बड़े करके जतन लड़की के मन को जीतते पहले। बड़े करके जतन लड़की के मन को जीतते पहले, फिर उसके संग सहेली का भी नंबर चाहिए इनको। क्या बात है, वाह वाह वाह, कितने खुश हो रहे हैं। अच्छा, करते भी ऐसी पंक्तियां निवेदित कर रही थी, अब आप अपनी अपनी प्रेयसी को ये पंक्तियां जरूर सुनाइए जो मैं सुनाने जा रही हूँ। सुने आदरणीय, आपकी जो कभी रही होंगी प्रेयसी आप उन्हें समर्पित करें, और नहीं मिले तो घर में जाके पत्नी को समर्पित करें। पंक्तियां निवेदित करती हूँ। जो कानों तक नहीं पहुंचे वही अल्फाज मत होना, जिसे दिल जान ना पाए कभी वो राज मत होना, जिसे दिल जान ना पाए कभी वो राज मत होना। है मुमकिन गलतियों से गलतियों का भी तो हो जाना। चौथी पंक्ति यदि पहुंच जाए और लगे कि आपके दिल की बात थी, कहीं अनामिका ने कह दी, तो मुझे वाकई वो मन दे दीजिए जो मन में चाह रही हूँ, मंच का भी मन चाहती हूँ। सुनिएगा कि जो कानों तक नहीं पहुंचे वही अल्फाज मत होना, जिसे दिल जान ना पाए कभी वो राज मत होना। है मुमकिन गलतियों से गलतियों का भी तो हो जाना, है मुमकिन गलतियों से गलतियों का भी तो हो जाना। मुझे तुम कुछ भी कह लेना मगर नाराज मत होना। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत आभार। मुझे तुम कुछ भी कह लेना मगर नाराज मत होना, मुझे तुम कुछ भी कह लेना मगर नाराज मत होना। बहुत सारी बातें मनोहर जी कर रहे थे, मैं चार पंक्तियां आपको समर्पित करने जा रही हूँ। सुने जी, बिल्कुल आप तक बात नहीं, ये आपको समर्पित करने जा रही हूँ, और सम्मान करने का अर्थ छेड़ना नहीं होता है। आज तक आपको किसी ने बताया नहीं, तो मैं आज आपको बता दूं, मैं आपका सम्मान करने जा रही हूँ। सुने, करें सम्मान। मैं सम्मान की मुद्रा में बैठा हूँ ताकि मुझे लगे मेरा सम्मान हो रहा है। नहीं, मेरी तो लुगाई भी मुझसे बर्तन मांझती है, तब यही कहती है कि आपका सम्मान कर रही हूँ।
तो मेरी तो आदत पड़ी हुई है बहन, तू जैसे जो बोल। अच्छा आपका घर में भी यही हालत है, आपकी सब जगह यही हालत है, कोई भी आके आपको कुछ भी कह देता है। मैं चार पंक्तियां कहती हूँ, मैं सम्मान की पंक्तियां आप तक पहुंचा रही हूँ, सुने। जिंदगी खूबसूरत थी बांदी हो गई है, जिंदगी खूबसूरत थी बांदी हो गई है, एक छोटी सी हवा थी आंधी हो गई है। मेरे सम्मान की तुम क्या कहोगे अनामिका, ये किस्मत है कि राहुल गांधी हो गई है। मेरी तो अच्छा आप कुछ भी नाम रख लें, फायदा आपका कहीं भी नहीं है, और वो इसलिए नहीं है कि अनमोल हूँ मैं तुम तो मेरा दाम नहीं हो। वाह, अनमोल हूँ मैं तुम तो मेरा दाम नहीं हो, मैं जिसको याद रखूं ऐसा नाम नहीं हो, मैं जिसको याद रखूं ऐसा नाम नहीं हो, और मिल जाएंगी तुम्हारी गोपियां तुम्हें कहीं, मैं जिसकी राधिका हूँ तुम वो श्याम नहीं हो, मैं जिसकी राधिका हूँ तुम वो श्याम नहीं हो। ये पढ़ना भी नहीं चाहिए किसी को, देखो आपको बता दूं। इस उम्र में ऐसा खेल नहीं करना। नहीं बिल्कुल नहीं, इस उम्र में आपको क्या करना चाहिए वो बता दे। वो बताओ, सुनो वो बताओ। कि जैसा तन दिख रहा वैसा मन कीजिए, आप सब मेरा साथ देंगे और उसी गरिमा और मन से साथ देंगे। बैठ जाओ बेटे आप लोग, मैं पंक्तियां निवेदित कर रही हूँ। बैठ जा माँ उसी नहीं, आ जाओ बेटा तुम तो जाओ। अब आप सुने आपको क्या करना चाहिए, कि जैसा तन दिख रहा वैसा मन कीजिए, ऐसा वैसा न कोई जतन कीजिए, ऐसा वैसा न कोई जतन कीजिए, तीर्थ के द्वार में प्रेम करते नहीं, तीर्थ के द्वार में प्रेम करते नहीं, ये उम्र है भजन की भजन कीजिए, ये उम्र है भजन की भजन कीजिए। तो आप भजन पे लगे, मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिए। भजन नहीं हो रहा है मेरा तो। कि अगर तुम भी नहीं हमसे तो फिर हम भी नहीं तुमसे, जिंदाबाद। नई पंक्तियां हैं ये जो। अगर तुम भी नहीं हमसे तो फिर हम भी नहीं तुमसे, कोई खुशियां नहीं तुमसे, कोई गम भी नहीं तुमसे, कोई खुशियां नहीं तुमसे, कोई गम भी नहीं तुमसे, हाथ तैयार हो, हुनर से अपने कद को खुद बढ़ाना जानते हैं हम, हुनर से अपने कद को खुद बढ़ाना जानते हैं हम, ज्यादा तो नहीं तुमसे मगर कम भी नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद, ज्यादा वाह 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 वाह, अद्भुत अद्भुत, मगर कम भी नहीं तुमसे, ज्यादा तो नहीं तुमसे मगर कम भी नहीं तुमसे। एक ऑब्जर्वेशन तो मैंने यहाँ का किया है, और वो ये है कि जो लोग सुन रहे हैं वो बहुत मन से सुन रहे हैं। जब अच्छी बात कानों तक पहुंचकर दिल तक पहुंचती है तो ये जरूरी नहीं कि उसमें तालियां भी हों, और इस बात को आपने सिद्ध भी किया, जहां जरूरत पड़ी वहां भरपूर ताली भी दी, और जहां जरूरत पड़ी वहां पर आपने मन भी दिया। मैं इसी मन के क्रम में एक और चार पंक्तियां मेरी श्रेष्ठ आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। एक बार मन दे दे, या नारियां उपस्थित हैं, लोग कहते हैं नारी आधुनिक हो गई है, उसके बात करने का तरीका बदल गया है, उसके उठने बैठने का तरीका बदल गया है, उसके घूमने फिरने का तरीका बदल गया है, उसके वस्त्र पहनने का तरीका बदल गया है। मैं जानती हूँ नारी आधुनिक हो गई है, उसकी बहुत सारी चीजों में बदलाव आ गया है, लेकिन एक बात जो कभी नहीं बदलती वो है जब नारी सच्चा प्रेम करती है तो अपने अंतर्मन को एक बात का बोध कराती है, और वो बात क्या है वो बात आप तक पहुंचाती हूँ, सुने। स्वागत। मैं तेरे नाम हो जाऊं तू मेरे नाम हो जाए, जिंदाबाद। मैं तेरा दाम हो जाऊं तू मेरा दाम हो जाए, वाह
पहुंचा रही हूँ। जितने लड़के हैं वो प्रेम में होंगे और अपने प्रेम को एक अंजाम तक पहुंचाने के क्रम में होंगे, तो मैं बता दूं नारियां क्या सोचती हैं। पीछे एक ने हाथ उठाया और ये बताया कि मैं प्रेम में हूं। वाह। और सुनना चाहता हूं कि किस क्रम पर पहुंचाना चाहती हैं वो। ये दो आदरणीय बड़ी देर से शिखर वार्ता में लीन है। मेरा अनुरोध है कि मेरी पंक्तियों पर आपका भी ध्यान मिल जाए। सुने, ध्यान अचानक इसलिए पड़ता है क्योंकि आप अग्रिम पंक्ति में हैं, इसलिए आपका ध्यान मुझ तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है और आप सबका भी। चाचा जी जिस तरह से मुस्कुरा रहे हैं, मैं उन्हें प्रणाम करती हूँ, मुस्कुराए जा रहे हैं, तब कहती हूँ सुने, मैं तेरे नाम हो जाऊं, तू मेरे नाम हो जाए, मैं तेरा दाम हो जाऊं, तू मेरा दाम हो जाए, न राधा सा न मीरा सा विरह मंजूर है मुझको, न राधा सा न मीरा सा विरह मंजूर है मुझको, बनू मैं रुक्मणी तेरी, तू मेरा श्याम हो जा, जिंदाबाद, बनू मैं रुक्मणी। अद्भुत काम है, बहुत आभार। और एक आदेश भी है, इस मुक्तक को दोबारा पढ़ना है। यदि आप सब मेरा साथ दें तो मैं इस मुक्तक को दोबारा पढ़ना चाहती हूँ। यहाँ नारियां उपस्थित हैं, पिछले दिनों को एक बार बता दूं, साथ देना, ये देना, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें कोई वोट देना है, वोट तो उधर वालों को देना, इसका मतलब होता है तालियां बजाओ, ताली बजाओ सारे के सारे। अच्छा, जिन्हें वोट देना है वो तो खो ही से गए। नहीं, वो सारे यही है, सारे के आप लोग हिलते। एक बार जोरदार तालियों से आप अनामिका जी का स्वागत करें। अच्छा, आपने इनकी तरफ विशेष रूप से देख करके इन्हें ये क्यों बताया कि साथ देना, ये आप क्या समझते हैं, हम समझदार नहीं होते? नहीं, मैं कमजोर हूँ, मैं तो बता रहा हूँ। नहीं, आप तो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ नारियां उपस्थित है, वो मेरे से पूछा कमल मनोहर जी ने कि नारी अबला होती है, बेचारी होती है, बेटी होती है, लेकिन इन्हें तब क्या हो जाता है जब ये सास बन जाती है। वाह। वो मुझे याद आया, एक बार एक देवरानी जेठानी खड़े थे, सामने से उनकी सास चली आ रही थी। अब नारियां जरा आप भी तैयार हो जाएं, आपके बारे में बात कर रही हूँ और पुरुष तो है ही तैयार। सुने कि वो दो देवरानी जेठानी खड़े थे, सामने से उनकी सास चली आ रही थी। देवरानी ने जेठानी को कोहनी मारी और बोली, देख सामने से सुनामी चली आ रही है, सुनामी पता नहीं आज किसे लेकर के डूबेगी। अच्छा, इतना ही नहीं, पीछे से ससुर जी भी आ रहे थे। तब जेठानी ने देवरानी को कोहनी मारी और बोली, देख पीछे पीछे भूकंप भी आ ही रहा है। क्या बात है, वाह वाह। बहुत आभार, आप भी वैसे ही लग रहे हैं। इस बात से याद आया, एक सास के चार दामाद थे। सास ने सोचा, देखूं कौन सा दामाद ज्यादा प्यार करता है। सुने कैलाश जी? हाँ, कैलाश जी सुनेंगे। अब कैलाश जी ही सुनेंगे। सुने, वो सास के चार दामाद थे। सास ने सोचा, देखूं कौन सा दामाद ज्यादा प्यार करता है। बड़े वाले दामाद को लेकर के नदी किनारे गई और जाकर के नदी में कूद गई। दामाद भी पीछे पीछे गया और सास को बचा करके ले आया। सास ने खुश होकर के उसे होंडा सिटी कार दी। दिन दूसरे दामाद की बारी थी। दूसरे दामाद को लेकर के गई और जाकर के नदी में कूद गई। दामाद भी पीछे पीछे गया और सास को बचा करके ले आया। सास ने खुश होकर के अपने इस दामाद को मोटर बाइक दी। तीसरे दिन तीसरे दामाद को लेकर के गई और जाकर के नदी में कूद गई। दामाद भी पीछे पीछे गया और सास को बचा करके ले आया। सास ने खुश होकर के उसे एक्टिवा स्कूटर गिफ्ट किया। अब चौथे दिन चौथे दामाद की बारी थी। चेयरमैन साहब, बिल्कुल आपकी तरह वो चौथा दामाद बहुत होशियार, उसने सोचा बड़े वाले को होंडा सिटी कार दी, दूसरे वाले को बाइक दी, तीसरे वाले को स्कूटर दिया, मेरा तो साइकिल का नंबर है। उसने सास को कूद जाने दिया, डूब जाने दिया, मर जाने दिया। अगले दिन ससुर जी ने खुश होकर के उसे मर्सिडीज गिफ्ट की। वाह। बताओ कितना बढ़िया लॉजिक है, ताली बजाओ जोरदार एकदम, सब बढ़िया का। अच्छा, इसमें मुझे कहना भी नहीं पड़ा, मुझे पता होता तो मैं चुटकुले ही सुना। नहीं नहीं, ये तो सब बहुत शानदार सुन रहे हैं आप। वो पिछले दिनों एक सास अपने पोते को खिला रही थी, भाभी जी जैसे आप इन्हें बच्चों को डांट रही है ना, ऐसे ही
सास जब पोते को खिला रही थी तो खिलाते खिलाते पोता उसकी गोद से गिर गया। अब बहू अंदर से आई और बहू आके अपनी सास पे चिल्लाई, बोली आपने ये क्या किया, बच्चे को गिरा दिया, आज के बाद मेरे बेटे को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। सास भी बहुत होशियार थी आपकी तरह, कमल जी तो ऐसे ही समझते। सास ने कहा ठीक है, आज के बाद ये तय रहा, मैं तुम्हारे बेटे को हाथ नहीं लगाऊंगी और तुम मेरे बेटे को हाथ नहीं लगाओगी। ऐसा मैंने तो नहीं कहा, उसने कहा। अच्छा, बहुत बढ़िया, आप सुन रहे हैं। आइए वो पंक्तियों के लिए मुझे कहा गया स्वागत। सर्जिकल स्ट्राइक की बात हुई, मैं पंक्तियां आप तक जरूर पहुंचाऊंगी, लेकिन एक और बात कह दूं, सर्जिकल स्ट्राइक पिछले दिनों सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, पार्थ ने बहुत अच्छी बात आप तक पहुंचाई। मैं दिल्ली के निकट से आई हूँ, एक बात, एक कहीं ना कहीं एक दुख है, उस दुख को आपके बीच व्यक्त करती हूँ और अपनी बात आप तक पहुँचाती हूँ। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तो उसमें बहुत सारे प्रमाण मांगे गए, सबूत मांगे गए, और बड़ी बात तो ये हुई कि पिछले दिनों वीडियो ला करके दिखा भी दिया गया। मेरे पास एक छोटा सा प्रतिगीत है, आप कहें और आपका मन हो तो वो प्रतिगीत सुना करके मैं वापस अपने कवि सम्मेलन पर आती हूँ। एक बार मुझे अपना मन दे दें, मैं केवल मुखड़ा आप तक पहुँचा दूँ और मेरा साथ दे दें। सुने, किससे ना तेरा करम तोड़ कर सब भरम, तालियों का सांस दीजिए पहुंचते हुए। किसे ना तेरा करम तोड़ कर सब भरम, घर में घुस करके मारा मजा आ गया। सेना तेरा करम तोड़ कर सब भरम, घर में घुस करके मारा मजा आ गया, घर में घुस करके मारा मजा आ गया। मांगे जिसने सबूत, मांगे जिसने सबूत उतरा उनका भी भूत, मांगे जिसने सबूत उतरा उनका भी भूत, वीडियो मुंह पर दे मारा मजा आ गया। सेना तेरा करम तोड़ कर सब भरम, घर में घुस करके मारा मजा आ गया। धन्य पीएम जी तुमने दिखला दिया, धन्य पीएम जी तुमने दिखला दिया, शेर कैसे दहाड़े थे बतला दिया, शेर कैसे दहाड़े थे बतला दिया। ये तालियों की पंक्तियां थी, मैं आप तक पुनः पहुंचाती हूँ कि धन्य पीएम जी तुमने बतला दिया, शेर कैसे दहाड़े थे दिखला दिया, शेर कैसे दहाड़े थे दिखला दिया। मफलरी शूरवी मफलरी शूरवीर हाय थे कितने अधीर, मफलरी शूरवीर हाय थे कितने अधीर, हाल देखा तुम्हारा मजा आ गया। सेना तेरा करम तोड़ कर सब भरम, घर में घुस कर के मारा मजा आ गया। गीत खत्म हुआ, तालियां बजाइए। क्या शानदार सुन रहे, आपको अच्छा लग रहा है तो मैं चार पंक्तियां और देकर के एक गीत में अपना पहुंचाती हूँ। एक बार आपकी तालियों की अनुमति मिले और मैं आप तक पहुंचती हूँ। एक बार जोरदार तालियों से आप स्वागत करें और चाय कॉफी की भी व्यवस्था करें। शशिकांत जी का आदेश था, मैं वो पंक्तियां एक बार और आप तक पहुंचा करके स्वागत अपनी उस बात को कहती हूँ जिस बात को कहने के लिए आपके बीच आई हूँ। सुने, मैं तेरे नाम हो जाऊं। अब आप बैठ जाओ, बहुत देर हो गई, बैठ जाओ। अरे बैठ जाओ भाई, बैठने का मतलब होता है बैठ जाओ। सुने, मैं तेरे नाम हो जाऊं, तू मेरे नाम हो जाए। नारी कितनी भी आधुनिक हो जाए लेकिन अपने प्रियवर से एक ही प्रार्थना करती है, और वो प्रार्थना क्या है, वो प्रार्थना आप तक पहुंचाती हूँ कि मैं तेरे नाम हो जाऊं, तू मेरे नाम हो जाए। मैं तेरा दाम हो जाऊं, तू मेरा दाम हो जाए। हाथ तैयार हो, ये ना लगे कि मैं दोबारा सुना रही हूँ। न राधा सा न मीरा सा विरह मंजूर है मुझको, न राधा सा न मीरा सा विरह मंजूर है मुझको, बनू मैं रुक्मणी तेरी तू मेरा श्याम हो जाए। बनू मैं रुक्मणी तेरी
तू मेरा श्याम हो जाए। लेकिन ये रुक्मणी, ये राधा, ये मीरा, ये वो बेटियां, ये लड़कियां, जब इनके साथ कुछ दुर्घटनाएं घटती हैं तो कहीं ये पिता, ये भाई दहल जाते हैं। बहुत देर से आपने बहुत सारी बातें सुनी, मैं इस बात को यूं कहना चाहती हूं कि जितनी नारियां यहां बैठी हैं, मैं जानती हूं आपको मेरी ये बात समझ में आएगी। हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में चलती हुई बस में एक दुर्घटना घटी जिसे हम सब ने देखा जाना और कहीं हम सहम गए। कहीं ये पुरुष, ये भाई, ये पिता आपस में एक दूसरे से आंख मिला रहे थे, उस समय उन्हें ये इस बात की चिंता थी कि उनकी बेटियों का क्या होगा। जब इस प्रकार की घृणित घटना हिंदुस्तान में घटी तो दुख इस बात का नहीं कि ये घटना घटी, दुख इस बात का है कि तब से लेके अब तक रोज इस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं और कहीं ज्यादा देखने और सुनने में आ रही है। रोज किसी न किसी न्यूज चैनल से, किसी न किसी अखबार से हम ये बातें सुनते हैं। तब मैं केवल चार पंक्तियां इन नारियों को, इन लड़कियों को कहती हूँ, कहीं कमल मनहर जी इस बात को सुन ले, सुनिएगा कि खून अंदर कहीं उबलता है। भैया सुनिएगा नई पंक्तियां, क्या बात। जब इन नारियों के साथ इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं, कुछ लोग बहुत दुख होता है जब ये कह देते हैं कि ये तो लड़के हैं और लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। उससे भी ज्यादा दुख होता है जब ये कह देते हैं कि लड़कियां ऐसे कपड़े पहनती हैं कि इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं। मैं पूछती हूँ उन जिम्मेदार व्यक्तित्वों से कि उन 5 साल की बच्चियों ने, उन 2.5 साल की, उन 3 साल की बच्चियों ने ऐसा क्या पहना था जिसे देखकर वात्सल्य की जगह वासना ने जन्म लिया। तब मैं ये बात आप तक जितने लोगों की चेतना मुस्तक आई, मैं उस चेतना को नमन करती हूँ और बात कहती हूँ, नारियां लड़कियां सुन लें कि खून अंदर कहीं उबलता है, खून अंदर कहीं उबलता है, बाज चिड़िया को जब मसलता है, बाज चिड़िया को जब मसलता है, लड़कियों वो चट्टान बन जाओ, लड़कियों वो चट्टान बन जाओ, जिनसे तूफान बच के चलता है, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिनसे तूफान बच के चलता है, तब नन्ही कलियों पर उठे जो आंख उसको फोड़ दो। एक संकल्प लें कि नन्ही कलिये जिम्मेदार व्यक्तित्व तो जो मुझे यहाँ दिख रहे हैं, एक निवेदन करती हूँ और एक संकल्प के लिए आपको, आपसे ये आग्रह करती हूँ कि मेरी ये बात, ये मेरे आंदोलन की पंक्तियां इन नारियों की तरफ से आप सबके घर की लड़कियों की तरफ से पहुंच जाए तो कहीं यहाँ पर कवि सम्मेलन में मेरा कहना सार्थक होगा, मेरी बात पहुंचे। सुने कि नन्ही कलियों पर उठे जो आंख उसको फोड़ दो, नन्ही कलियों पर उठे जो आंख उसको फोड़ दो, खुद ही कर लो फैसला कानून भी सब तोड़ दो, खुद ही कर लो फैसला कानून भी सब तोड़ दो, देख कर मासूम की हालत तवायफ कह उठी, देख कर मासूम की हालत तवायफ कह उठी, पैसे मत देना मुझे पर बच्चियों को छोड़, जिंदाबाद जिंदाबाद, पैसे मत देना मुझे पर बच्चियों को छोड़, पैसे मत देना मुझे पर बच्चियों को छोड़। बहुत आभार, आपका मन मुझ तक पहुंचा। आइए मैं मेरी अंतिम प्रस्तुति के रूप में एक गीत पहुंचा करके अपनी जगह लेना चाहती हूँ। एक माहौल आपने बना दिया है तो मेरा मन है कि रुक्मणी गीत में दे करके अपना परिचय आपसे करवा के अपनी जगह लूं। मुझे थोड़ी सी और गंभीरता दीजिए। एक निवेदन आया जी, बताइए। रुक्मणी के बाद एक आपका प्रसिद्ध गीत है, दिवाली पे पापा क्यों नहीं आए। अब इनको याद है, बताओ कितना है आपको। तो ये हनुमान चालीसा की तरह पढ़ते हैं माँ। बहुत आभार, आपके जबरदस्त फैन है यहाँ। नहीं, बहुत आभार। मेरे एक जी, मैं देखती हूँ, मुझे याद नहीं है शायद। अब टावर कुड़कुड़ की सुने। आइए भाई साहब, आ जाए, निकल जाए, पंक्तियाँ निवेदित करती हूँ। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। मैं बहुत आभार आपका व्यक्त करती हूँ। और इस बात को भी आपने नकार दिया कि तालियाँ वाकई कविताओं का मूल्यांकन नहीं करती। आपका इस प्रकार मुझे सुनना और अपनी मेरी बात को अपने आप तक पहुंचाना, ये भी मूल्यांकन करती है।
मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ। एक गीत के लिए मुझे आदेशित किया गया है, शहीद के बेटे की दीपावली। यदि वो गीत सुनने का आपका मन है तो एक बार मुझे तालियों से आदेशित करें, मैं उसी गीत को प्रारंभ करती हूँ। माहौल हालांकि बेटियों के गीत का है, तो मेरा रुक्मणी का मन था। रुक्मणी पहले पढ़ के फिर वो, पहले रुक्मणी चलने दो आप। चलिए मैं रुक्मणी गीत पहुंचाती हूँ। स्वागत इसमें, लेकिन आपके धैर्य की परीक्षा है। ये थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल गीत है, कहीं आपको ऐसे लगे कि ये बात क्या कह दी, लेकिन कहीं यदि आपने मेरे नजरिए से देखा तो आप सब मेरा साथ दे देंगे, मैं जानती हूँ। स्वागत, स्वागत। एक पत्नी जिसको रुक्मणी कहा गया, वो श्री कृष्ण की पत्नी है। मैं पूरे दावे से कहती हूँ कि यदि एक बार आप मेरे साथ हो गए तो मेरे इस गीत को जी लेंगे। मेरा ये गीत आप तक पहुंचा देती हूँ, सुनिएगा। वो पत्नी अपने प्रभु पति, प्रभु भगवान श्री कृष्ण, उस पति से एक छोटा सा निवेदन करती है। और वो निवेदन क्या है, यहाँ ये नारियां बैठी हैं, एक पत्नी आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है, वो बात करती हूँ। उन्हें राधा से कोई शिकायत नहीं, उन्हें कृष्ण से कोई शिकायत नहीं, उन्हें किसी भी उस स्त्री से कोई शिकायत नहीं जो श्री कृष्ण को प्रेम करती है या श्री कृष्ण जिसे प्रेम करते हैं। उन्हें केवल अपने एक अधिकार की बात करनी थी, वो अधिकार भी जो उन्हें कृष्ण से नहीं चाहिए, जो इस जग से चाहिए, उस अधिकार की बात वो अपने प्रभु और पति श्री कृष्ण से करती है। गीत की ये भूमिका है, गीत मैं आप तक पहुंचाती हूँ, सुनिएगा। स्वागत है। क्या कहती है एक पत्नी, साथ हमारा जन्म जन्म का, क्या बात है, साथ हमारा जन्म जन्म का, रिश्तों का संसार, साथ हमारा जन्म जन्म का, रिश्तों का संसार, फिर भी जग ने प्रीत को मेरी किया नहीं स्वीकार, क्यों इस जग ने प्रीत को मेरी किया नहीं स्वीकार। बहुत आभार, और इन तालियों के साज ने मुझे कहीं बहुत मन दिया। मैं एक बात कहती हूँ आप सबको, जो मैं जनरली कहते रहती हूँ, क्या खास बात है आज की रात में, कमल जी बहुत आभार आपका व्यक्त करती हूँ, आपने यहाँ मुझे बुलाया, आपने बुलाया, मैं आपसे कहती हूँ कि चंदा की चकोरी से कभी बात न हो, क्या बात है, जिंदाबाद। चंदा की चकोरी से कभी बात न होती, गर तुमसे हमारी ये मुलाकात न होती, गर तुमसे हमारी ये मुलाकात न होती, इस शहर के लोगों में कोई बात है अंबर। आए, आए। सर आप में भी, आप में बहुत बात है, आप बहुत मन से सुन रहे हैं, और बल्कि मैं ये कहूँ कि मेरे काव्य पाठ में आप आकर्षण का केंद्र है, तो इसमें कोई त्रुटि नहीं होगी। मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, आप भी सुने कि चंदा की चकोरी से कभी बात न होती, गर तुमसे हमारी ये मुलाकात न होती, इस शहर के लोगों में कोई बात है अंबर, इस शहर के लोगों में कोई बात है अंबर, वरना तो कभी इतनी हसी रात न होती, वरना तो कभी इतनी हसी रात न होती। बहुत आभार। तब क्या कहती है रुक्मणी, सुने, साज करते रहिए ताली का, कि साथ हमारा जन्म जन्म का, रिश्तों का संसार, साथ हमारा जन्म जन्म का, रिश्तों का संसार, फिर भी जग ने प्रीत को मेरी किया नहीं स्वीकार, प्रश्न मेरा क्यों राधा ही है, प्रश्न मेरा क्यों राधा ही है, मोहन का आधार, हाँ इस जग ने प्रीत को मेरी किया नहीं स्वीकार, क्यों इस जग ने प्रीत को मेरी किया नहीं स्वीकार। कृष्ण ने जब विवाह किया तो जब उन्होंने राधा को छोड़ा तो 3 किलोमीटर की दूरी उन्होंने कभी तय नहीं की, वो वापस कभी वहां नहीं गए जहां उन्हें कभी जाना चाहिए था। उन्होंने पूर्ण रूप से अपने पति होने का धर्म निभाया, राजा होने का धर्म निभाया, लेकिन रुक्मणी को किस बात से शिकायत है वो कहती है, मैं आप तक गीत पहुंचाती हूँ, सुने। स्वागत, स्वागत।
कि वचन किए पूरे तुमने कसमें सब मन से मानी, वचन किए पूरे तुमने कसमें सब मन से मानी, मान दिया पत्नी का मुझको मैं राजा की रानी, मान दिया पत्नी का मुझको मैं राजा की रानी, सजा के तुमने मांग को मेरी, सजा के तुमने मांग को मेरी, दिए सभी अधिकार, फिर भी जग ने प्रीत को मेरी किया नहीं स्वीकार, क्यों इस जग ने प्रीत को मेरी किया नहीं स्वीकार। आप सब जानते हैं, रुक्मणी भी जानती थी कि श्री कृष्ण छलिया है, नटवर है, कोई ना कोई क्रीड़ा उन्होंने की है जिसके कारण यह हुआ। तब वो कहती है कि साधु के सांसों में खामोशी ले शब्दों में पीड़ा, साधु के सांसों में खामोशी ले शब्दों में पीड़ा, पूछती हूँ ओ नटवर तुमसे थी कैसी ये क्रीड़ा, क्या कमाल कि स्वयं प्रभु को जीता मैंने, स्वयं प्रभु को जीता मैंने, स्वयं प्रभु को जीता मैंने, पर जग से गई हार, इस जग ने प्रीत को जोरदार तालियां, क्या बात है, मैं कविता हो रही है, वाह, क्यों इस जग ने प्रीत को मेरी किया नहीं स्वीकार। आप में से किसी विद्वान ने कहा श्री कृष्ण की एक बात सुनाई मुझे, बताया कि अनामिका जब राधा ने कृष्ण से पूछा कि प्रिय आपने मुझसे प्रेम किया विवाह नहीं किया, तो कृष्ण ने उत्तर दिया कि विवाह करने के लिए दो लोगों की आवश्यकता होती है राधा, तुम और मैं तो एक हैं। तब इस बात का खंडन करते हुए रुक्मणी अंतिम बंद में क्या कहती है, यदि आप मेरा साथ दो मिनट का और दें तो उस गीत का आगाज मैं कर दूंगी, जिस गीत का आदेश आपने मुझे दिया है वो गीत आप तक पहुंचा दूं। स्वागत। रुक्मणी क्या कहती है कृष्ण से, अंतिम बंद पहुंचाती हूँ, सुनिएगा। स्वागत। कि जब गौरी संग शंकर सीता के संग राम सुहाए, जब गौरी संग शंकर सीता के संग राम सुहाए, कष्ट मेरा फिर क्यों इस जग में राधे श्याम कहा। भाई कमाल, वाह जोरदार तालियां, कमाल। कि जब गौरी संग शंकर सीता के संग राम सुहाए, कष्ट मेरा फिर क्यों इस जग में राधे श्याम कहाए, तो यही निवेदन है तुमसे, यही निवेदन है तुमसे, इतिहास में हो ये सुधार। आपने यदि एक मिनट भी इस गीत को ध्यान से सुना है और मेरे साथ यात्रा की है तो हाथ तैयार रखें और मेरा साथ दे दे, मुझे ये बता दे कि रुक्मणी कहीं सही कहती है, सुनिएगा। कि जब गौरी संग शंकर सीता के संग राम सुहाए, कष्ट मेरा फिर क्यों इस जग में राधे श्याम कहाए, तो यही निवेदन है तुमसे, इतिहास में हो ये सुधार, यही निवेदन है तुमसे, इतिहास में हो ये सुधार। राधे कृष्ण के साथ रुक्मणी कृष्ण करो स्वीकार, कमाल अद्भुत। राधे कृष्ण के साथ रुक्मणी, और आइए उस गीत के लिए जिसे मुझे आदेशित किया गया है। वैसे तो मुझे ये बताया गया था दूसरा दौर है, तो आप कहें तो मैं दूसरे दौर में आप तक पहुंच जाऊं। नहीं भाभी, हम तो चाहते एक बार आप तालियां बजा करके कहिए यदि आप ऐसे कह रहे हैं। अच्छा, एक ने मुझे ऐसे ऐसे करा, हाँ। अब इसका क्या मतलब है? धन्यवाद। सुनिएगा, मैं गीत सुनाती हूँ। स्वागत 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 स्वागत। पिछले दिनों जब हिंदुस्तान की धरती पर सर कटे हुए धड़ आए, उन्हें देख करके नई नवेली दुल्हन
या घर के वो सदस्य जब रोने लगे तो किस प्रकार एक जवान के शहादत में पूरे परिवार ने उसका साथ दिया, ये वहीं से वो गीत है। एक 8 साल के बेटे की कहानी है जिसके पिता शहीद हो जाते हैं। वो बेटा ये नहीं जानता कि उसके पिता अब लौट कर वापस नहीं आएंगे। वो बेटा अपने पिता के बारे में प्रश्न करता है। माँ मौन स्तब्ध आंगन में बैठी है। गीत का दृश्य आपके बीच है, गीत मैं आपके बीच रखती हूँ। जो लोग जाने के क्रम में है या जो सोच रहे हैं कि उन्हें जाना चाहिए, उनसे अनुरोध है कि वो जरूर जाएं, क्योंकि जो लोग बैठेंगे वो उस मन से बैठेंगे। अभी आदरणीय शशिकांत यादव जी को और कमल मनोहर जी को आपको सुनना है। मैं इस गीत को भूमिका बना करके उनके लिए छोड़ती हूँ और आप तक अपनी बात पहुँचाती हूँ। सुने, हाँ जी, बहुत आभार, आप निकल जाइए, इनको भी ले जाइए। सुनिएगा, जब पिछले दिनों सर कटे हुए धड़ आए, एक घर की स्थिति थी जहां पर नई नवेली दुल्हन अपने पति शव को देख करके रोने लग जाती है। उसका सर नहीं था, केवल धड़ वापस आता है। एक बार कल्पना कीजिए कि इस समय जो ड्यूटी पर तैनात हैं, सीमाओं पर जो जवान तैनात हैं, उनके बारे में एक बार आप कल्पना कीजिए कि यदि वो वहां पर तैनात नहीं होते तो क्या हम इतने अच्छे से इस आयोजन में भाग ले रहे होते। तब मैं उनको समर्पित करती हूँ और ये गीत आप तक पहुँचाती हूँ। जब सर कटा हुआ धड़ आया तो दुल्हन रोने लग जाती है। उसकी ननद आती है और अपनी भाभी के दोनों हाथ पकड़ती है, उन्हें झकझोरती है और उनका ध्यान अपनी ओर बटाती है। और वो ननद अपनी भाभी से क्या कहती है, हिंदुस्तान के इंदौर से हमारे कुंबे के एक बड़े कवि आदरणीय ध्रुवेंद्र भदौरिया जी की ये 4 पंक्तियां मैं अपने गीत की आत्मा बनाती हूँ और गीत में प्राण फूंकने के लिए इन पंक्तियों का इस्तेमाल करती हूँ और आप तक वो पंक्तियां पहुंचाती हूँ। कहीं ध्रुवेंद्र जी ने कहा कि दादी का दुलार भूला, बाबुल का प्यार भूला, मोतियों की माला मेरी आज तक न लाया है। वो ननद जब अपनी भाभी को रोते हुए देखती है और अपने भाई के शव को देखती है तो देखिए, मैं राजस्थान की उस भूमि पर खड़ी हूँ जहाँ पर देशभक्ति की गौरव की गाथाएं हमने सुनी है, जहाँ के बारे में हम सब जानते हैं। तब मैं कहती हूँ कि वो ननद अपनी भाभी को ढांढस बंधाती है और अपने भाई की शहादत को कुछ इस प्रकार प्रस्तुत करती है। ध्रुवेंद्र जी कहते हैं कि दादी का दुलार भूला, बाबुल का प्यार भूला, मोतियों की माला मेरी आज तक न लाया है। होलिया के रंग भूला, दीपों की उमंग भूला, राखी का त्योहार बार बार बिसराया है। और भाभी मेरा भैया तो जन्म से भुलक्कड़ था। वो ननद अपनी भाभी से कहती है कि दादी का दुलार भूला, बाबुल का प्यार भूला, मोतियों की माला मेरी आज तक न लाया है। होलिया के रंग भूला, दीपों की उमंग भूला, राखी का त्योहार बार बार बिसराया है। और भाभी भाभी मेरा भैया तो जन्म से भुलक्कड़ था, आज भी तो उसी आदत को दोहराया है। जाते हुए माता का आशीष लेना भूल गया, आते हुए रणथल शीश भूल आया है। कमाल कमाल, जिंदाबाद। जाते हुए माता का आशीष लेना भूल गया, आते हुए रणथल शीश भूल आया है। आपकी तालियां ध्रुवेंद्र जी के चरणों तक पहुंचे। मैं गीत प्रारंभ करती हूँ। एक 8 साल का बेटा अपनी माँ से क्या कहता है, सुनिएगा, जब उसके पिता शहीद हो जाते हैं। स्वागत स्वागत। चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी, जब वो हुआ शहीद उन दिनों की बात थी। आंगन में बैठा बेटा माँ से पूछे बार बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। आंगन में बैठा बेटा माँ से पूछे बार बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। 2-3 दिन से अपनी माँ की स्थिति को देख रहा होता है। माँ को देखकर माँ से कहता है, माँ क्यों न तूने आज भी बिंदिया लगाई है, माँ क्यों न तूने आज भी बिंदिया लगाई है दोनों हाथ खाली न मेहंदी रचाई है दोनों हाथ खाली न मेहंदी रचाई है। बिछुआ भी नहीं पाँव में बिखरे से बाल है, बिछुआ भी नहीं पाँव में बिखरे से बाल है। लगती थी कितनी प्यारी अब ये कैसा हाल है, लगती थी कितनी प्यारी अब ये कैसा हाल है। कुमकुम के बिना सूना सा लगता है श्रृंगार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। बेटे को कोई उत्तर नहीं मिलता। कल्पना कीजिए कि एक शहीद, जब एक जवान एक घर से शहीद होता है तो उसके घर की स्थिति कुछ ऐसी ही होती होगी।
वो पत्नी पत्थर होके बैठ जाती होगी, कहीं पिता लाचार होके बैठ जाता होगा, कहीं इतना बड़ा बेटा हो तो वो ऐसे ही प्रश्न करता होगा। थोड़ी देर के लिए बाहर खेलने जाता है और खेल करके वापस आता है, वही प्रश्न अपनी माँ से करता है और वो बेटा अपनी माँ से क्या कहता है सुनिएगा। किसी के पापा उसको नए कपड़े लाए हैं, किसी के पापा उसको नए कपड़े लाए हैं, मिठाइयाँ और साथ में पटाखे लाए हैं, वो भी तो नए शूज पहन खेलने आया, वो भी तो नए जूते पहन खेलने आया, पापा पापा कह के सबने मुझको चढ़ाया, पापा पापा कह के सबने मुझको चढ़ाया, अब तो बता दो क्यों है सूना आंगन घर द्वार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। मैं आपसे कहती हूँ आप अपनी तालियों को कृपया रोक के रखिएगा, जब उस बेटे की बात आपको अच्छी लगे तो आपकी तालियां भरपूर मुझे उसके लिए चाहिए, मेरे आशीर्वाद के लिए आप तक आपकी तालियां चाहिए। अभी रोकिए, वो बेटा जो इतने बार अपनी माँ से पूछता है उसे कोई उत्तर नहीं मिलता तो वो खींच जाता है, रूठ जाता है, अपने माँ के दोनों हाथ पकड़ता है, उन्हें हिलाता है और उनसे क्या कहता है, यदि एक भी आंसू इस सदन में छलका तो मेरे लिखने की सार्थकता होगी। वो बेटा अपनी माँ से कहता है, दो दिन हुए हैं तूने कहानी न सुनाई, दो दिन हुए हैं तूने कहानी न सुनाई, हर बार की तरह न तूने खीर बनाई, दो दिन हुए हैं तूने कहानी न सुनाई, हर बार की तरह न तूने खीर बनाई, आने दो पापा से मैं सारी बात कहूँगा, आने दो पापा से मैं सारी बात कहूँगा, तुमसे न बोलूँगा न तुम्हारी मैं सुनूँगा, आने दो पापा से मैं सारी बात कहूँगा, तुमसे न बोलूँगा न तुम्हारी मैं सुनूँगा, ऐसा क्या हुआ के बताने से है इनका, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। और विडंबना देखिए कि पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के लिए, जुड़ने लगी थी लकड़ियां उसकी चिता के लिए, पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के लिए, जुड़ने लगी थी लकड़ियां उसकी चिता के लिए, पूछते पूछते वह हो गया निराश, जिस वक्त आंगन में आई उसके पिता की लाश। बेटा एक टक उस लाश को देखता है, एक टक अपनी माँ को देखता है, पुनः उस लाश को देखता है, पुनः अपनी माँ को देखता है, सामने एक वर्दी मुझे दिखाई दे रही है, मैं इस वर्दी को इंगित करते हुए और उनसे उन्हें थोड़ी देर के लिए रोकते हुए ये अंतिम पंक्तियां आपको समर्पित कर रही हूँ, इन्हें जाने दो, आप सुने। ये वर्दी वो वर्दी होती है जब शरीर पर धारण की जाती है तो अपने आप देशभक्ति आ जाती है, उसके स्वरूप अलग होंगे, लोग उसे हास्य में विनोद में कह देते हैं, लेकिन मैं समर्पित करती हूँ ये पंक्तियाँ उन्हें। वो बेटा अपनी माँ से क्या कहता है, अंतिम बंद आप तक पहुँचाती हूँ, यदि आपको लगे कि हर बेटे को यही कहना चाहिए तो आपके दोनों हाथ हवा में लहराएं और उस बेटे तक आशीर्वाद बनकर पहुँचे, दोनों हाथ उठा करके उसको आशीर्वाद जरूर दें। मैं पंक्तियाँ निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। कि पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के लिए, जुड़ने लगी थी लकड़ियाँ उसकी चिता के लिए, पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के लिए, जुड़ने लगी थी लकड़ियां उसकी चिता के लिए, पूछते पूछते वह हो गया निराश, जिस वक्त आंगन में आई उसके पिता की लाश। बेटा अपनी माँ से कहता है, मत हो उदास माँ मुझे जवाब मिल गया, वाह, मत हो उदास माँ मुझे जवाब मिल गया, मकसद मिला जीने का ख्वाब मिल गया, मकसद मिला जीने का ख्वाब मिल गया, पापा का जो काम रह गया है अधूरा, पापा का जो काम रह गया है अधूरा, लड़कर के देश के लिए करूँगा मैं पूरा, लड़कर के देश के लिए करूँगा मैं पूरा, आशीर्वाद दो मकाम पूरा हो इस बार। इतनी कमजोर तालियां अनामिका अंबर के काव्य पाठ के अंत में, एक बार पूरा सदन आगे से पीछे दाएं से बाएं